जालौर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। इस सीट को निकालने को लेकर कांग्रेस लगातार जतन करने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अब प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी। कई तरह के आरोप प्रियंका गांधी की ओर से लगाए गए, लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट सभा से दूर रहे। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी सचिन पायलट वैभव गहलोत को लेकर सोशल मीडिया पर अलग बयानबाजी चल रही थी, लेकिन सचिन पायलट वैभव गहलोत की सभा में पहुंचे थे। लेकिन आज जिस तरह प्रियंका गांधी की सभा थी और प्रियंका गांधी की सभा में सचिन पायलट नहीं पहुंचे, उसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या मतभेद हैं, क्या मनभेद हैं, आखिर कैसे दूर होंगे मतभेद और मनभेद? प्रभारी सुखजिंदर रंधावा तो कहते हैं मतभेद और मनभेद तो खत्म हो चुके हैं, हम बीजेपी को हैट्रिक नहीं मारने देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में राजस्थान का जिक्र करें तो दो बार बीजेपी 25 की 25 सीट जीत चुकी है, लेकिन इस बार हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस अलग ही जतन करने में लगी है। छोटे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन किया जा रहा है। अलग अलग सीटों पर तो गठबंधन हुआ, लेकिन आज जिस तरह प्रियंका गांधी राजस्थान की धरा पर पहुंची थी और धरा पर पहुंचने के बाद वहां पर स्वागत भी किया गया, मान मनवार भी किया गया, लेकिन सचिन पायलट नहीं पहुंचे। सचिन पायलट नहीं पहुंचे तो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हम आपको मानेसर कांड भी बताए थे जब विवाद हुआ था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, और ये मानेसर कांड को शांत किया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से। लेकिन आज अब प्रियंका गांधी ही जयपुर पहुंची, उसके बाद यहां से एयरपोर्ट के थ्रू जालौर सिरोही पहुंची, लेकिन जब सचिन पायलट ही नहीं मिले तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर तो लाजमी था। पार्टी कार्यालयों में भी चर्चाएं शुरू हो गई थी, उसके बाद आम जनता की ओर से भी चर्चा की जा रही थी कि मतभेद और मनभेद तो नहीं है, इस मतभेद और मनभेद को कैसे काबू किया जाएगा। एक तरफ तो प्रभारी कह रहे हैं कि तालमेल बटाने की कोशिश की जा रही है, सह प्रभारी कह रहे हैं कि तालमेल बटाने की कोशिश की जा रही है, शीर्ष नेतृत्व तालमेल बटाने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन आखिर तालमेल कब बैठेगा? पूर्व में भी जब वैभव गहलोत सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और जब हार गए थे तो उन्होंने हार का जिम्मेदार सचिन पायलट को बताया था, और अब जब वापस मैदान में उतरे हैं अपनी जोधपुर सीट को छोड़कर जालौर सिरोही सीट से उतरे हैं, तब सचिन पायलट एक बार हारण की उनकी सभा में पहुंचे हैं। लेकिन आज शीर्ष नेतृत्व तो पहुंचा तब वो नदारद रहे, इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब ये देखने वाली बात है कि मतभेद और मनभेद कैसे खत्म होंगे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।